खोज ले लो महिला, जुटाए ले लो महिला, बना लो रे महिला समूह। बहुत जतन से, बहुत लगन से बना लो रे। आदर्श यानी श्रेष्ठतम नमूना जिसकी मिसाल दी जाए। झारखंड की राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है प्रखंड ओरमांझी के ग्राम पंचायत टुंडा हुली का आदर्श ग्राम आरा केरम। यहाँ के लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, व्यवस्थित और जिम्मेदार हैं। तभी ये गाँव झारखण्ड का आदर्श गाँव है और इसका श्रेय जाता है यहाँ की ग्राम पंचायत को। यहाँ के मुखिया, पंचों, ग्राम प्रधान आदि ने सरकारी योजनाओं के निष्पादन एवं कार्यान्वयन की बकायदा ट्रेनिंग ली। इन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर लाभुक समिति, कार्यकारिणी सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सखी मंडलों के सहयोग से इसे अपने गाँव के धरातल पर उतारा, जिसके बाद यहाँ के निवासी समय के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, जरूरतों को समझकर संगठित होकर उपाय कर रहे हैं, समस्याओं को लेकर व्यथित नहीं है बल्कि मिलकर उसका समाधान कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि 12 साल में इस ग्राम एवं पंचायत की तस्वीर ही बदल गई। जहां पूरे देश के अधिकांश भागों में ग्राम सभा महीने में एक बार आयोजित की जाती है, वहीं इस पंचायत में हर सप्ताह ग्राम सभा बुलाई जाती है, जिससे यहां हो रहे कार्यों की समीक्षा होती रहे, योजनाओं की मॉनिटरिंग होती रहे तथा समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनका समाधान निकाला जा सके। ग्राम आरा केरम आदर्श गांव का एक बेहतरीन मॉडल है। यहां ग्राम सभा के द्वारा गांव वालों की सर्वसम्मति से 9 तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन नहीं करने वालों को सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाता है। ये 9 नियम ही इस गांव के आदर्श बनने के मूल सूत्र हैं, जिसका पालन पूरे गांव वाले पूरी निष्ठा से करते हैं, जो इस प्रकार है: नशाबंदी, लोटाबंदी, श्रमदान, कुल्हाड़ीबंदी, चराईबंदी, दहेज प्रथा बंदी, प्लास्टिक बंदी, डीप बोरिंग बंदी तथा हम दो और हमारे दो। यानी कि इन 9 नियमों के जरिए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकास, जल संचयन और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में इसे आदर्श ग्राम क्यों न कहा जाए। लोगों का विश्वास है कि 12 साल में जो नहीं हो पाया है उस चीज को हम लोग करने का काम करेंगे। और आरा केरम में सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा का महत्व को समझे, ग्राम सभा कैसे की जाती है, ग्राम सभा का कारण क्या है और ग्राम सभा में कौन लोग बैठ सकते हैं, कौन लोग जो है सो नहीं बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ग्राम सभा के महत्व को हम लोग समझने का प्रयास किए। और ग्राम सभा जब हम लोग शुरुआत किए तो उसमें सभी 18 साल से ऊपर के महिला पुरुष एक साथ हम लोग बैठना स्टार्टिंग किए। इस पंचायत के ग्राम प्रधान श्री गोपाल राम से समझिए कि यहाँ सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर कैसे उसका लाभ प्रत्येक ग्राम वासियों तक पहुँचाया जाता है। ग्राम सभा जो है हम लोग यहाँ पर आरा केरम के बीच में जो होती है वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक ग्राम सभा हम लोग करते हैं। हम लोगों का जिस तरह से स्कूल में बच्चों का हाजिरी होता है उस तरह से ग्राम सभा के सभी सदस्यों का जो है उपस्थिति दर्ज होती है। और मेरे ग्राम सभा में महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी लोग जो है ग्राम सभा में उपस्थित होते हैं। और जो भी व्यक्ति इसका फॉलो नहीं करते हैं उसको जीवन भर सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाता है। श्रीमती नीलम पहले हड़िया दारू बनाकर बेचती थी, लेकिन आज स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सम्मानजनक आय पाकर आत्मनिर्भर है। देखा जाए तो हम लोग का गांव में पहले अपना घर में, मैं बताती हूँ, अपना घर में मैं खुद बनाती थी, दारू बनाती थी, हाड़ी बनाती थी, लेकिन ये सब हम लोग का मेरी एक मजबूरी थी जिसके कारण मैं कर पाती थी। लेकिन ये सब करने जब हम लोग का गांव में नशा मुक्त का अभियान चला तो हम लोगों का जीवन में एक ऐसा बदलाव आया जो कि मैं आगे तक ये चीज़ को अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकती हूँ। आपसी सहमति से श्रमदान कर गांव की सड़क बनाई जा रही है। वहीं राज्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा बांदा में गांव का भविष्य सुधारने के लिए इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा और सुविधा देकर मजबूत किया जा रहा है। मिड डे मील, नल जल योजना, ड्रेस
एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही गांव वाले स्वयं श्रमदान कर जल मीनार का निर्माण कर रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त राशि का 100% सदुपयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा योजनाएं स्कूलों में चल रही है, उसमें पहला प्राथमिकता सरकार का है कि स्कूलों में बच्चों को पीने योग्य पानी शुद्ध मिले, इसलिए नल जल योजना के तहत पंचायती राज विभाग के द्वारा लगाया गया है। विकास के लिए बदलाव यानी चेंज फॉर डेवलपमेंट के तहत हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलते गए और ओरमांझी के टुंडा हुली पंचायत की तस्वीर बदली। ऐसी उम्मीद है कि जल्द राज्य के अन्य पंचायत भी इस मॉडल को अपनाकर आदर्श बनेंगे।